हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनस्वी, वेलकम टू ऑल इमोशंस एकेडमी। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। हमने 8 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हैं बच्चों, तो फटाफट से अपनी नोटबुक में मुझे लिख के बताइए कि वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से आपने पढ़े हैं। तो बच्चों, आपने लिखा होगा, आपने देखा, हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़े। हमने यहाँ पे पढ़ा नाउन, हमने पढ़ा प्रोनाउन, हमने पढ़ा एडजेक्टिव, हमने पढ़ा वर्ब, हमने पढ़ा एडवर्ब, उसके बाद में हमने देखा प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजंक्शन। अब बच्चों यहाँ पे देखिएगा जरा, जब हम बात कर रहे हैं नाउन की, तो हमने प्लेस की बात की, हमने आइडेंटिफिकेशन की बात की, मैंने आपको आपका ग्रामेटिकल वे बताया, मैंने आपको इम्प्रोवाइज्ड वे बताया, फिर हमने प्रोनाउन की बात की। प्रोनाउन को स्पेसिफिक होते हैं, उनको हम डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने बात की आपसे एडजेक्टिव की, तो फिर से मैंने आपको बताया, क्या क्वेश्चन बताया मैंने आपको, आपका ग्रामेटिकल क्वेश्चन बताया, हाउ से बना के पूछो, और मैंने इम्प्रोवाइज्ड वे बताया, क्या बताया, यू आर गुड यू आर बैड से मैच करवा के देखो। फिर मैंने वर्ब की बात की, वर्ब में मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि वर्ब का जो आइडेंटिफिकेशन का मेथड है वो ईडी और आईएनजी है। ईडी यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि इरेगुलर वर्ब भी मैंने आपको बता दी है, आईएनजी यूनिवर्सल है। हर वर्ब में, किसी भी गिवन वर्ड में आईएनजी लगा के देखो, वो सेट हो जाए, बोलने में आपको सही लगे, आपको देखा देखा जाना पहचाना लगे, तो वो वर्ड आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। उसके बाद में मैंने एडवर्ब पढ़ाया, बहुत से तरह की एडवर्ब, मतलब टोटल 5 पढ़ाई। उसके बाद में उनसे रिलेटेड कैसे आपको किन डब्ल्यूएच वर्ड से क्वेश्चन बनाना है वो सब बताया। एडवर्ब ऑफ मैनर बताया, एडवर्ब ऑफ टाइम बताया, एडवर्ब ऑफ प्लेस बताया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताया, एडवर्ब ऑफ डिग्री बताया, और उनसे रिलेटेड आपको डब्ल्यूएच वर्ड भी बताया। उसके बाद में बात की हमने कंजंक्शन और इंटरजंक्शन की, उनको हमने रिलेटिवली स्टडी किया, क्या डिफरेंस है, कौन कनेक्ट करने का काम करता है और कौन रिलेट करने का काम करता है। मैंने इसके बारे में आपको बताया, एक आइडिया दिया मुझे मैंने आपको, कि आपका फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन भी आता है, किसी भी एक वर्ब के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ होती है, उस प्रीपोजिशन को चेंज करके कोई और प्रीपोजिशन वहाँ पे सेट कर देंगे और आपकी एरर बना के आपसे पूछ लिया जाएगा, या फिर ये चीज़ आपसे फिल इन द ब्लैंक में भी पूछी जा सकती है। उसके बाद में हमने बात की इंटरजंक्शन की, इंटरजंक्शन क्या होते हैं। इंटरजंक्शन बच्चों, किसी भी बात को बताने के लिए उसके साथ आपके जो मोशन अटैच, आपके इमोशंस अटैच होते हैं। उसके बाद में हमने बात की इंटरजंक्शन की, इंटरजंक्शन क्या होते हैं बच्चों, किसी बात को बोलने के साथ आपके जो उसके साथ इमोशंस अटैच होते हैं, उस इमोशंस को शो करने के लिए हमारे पास कुछ वर्ड गिवन है, उन वर्ड को ही आप क्या बोलते हैं, इंटरजंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे हम एक स्पेशल सिंबल, एक स्पेशल मार्क का यूज़ करते हैं, जिसको आप एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। यहाँ तक की बातें हो गई थी, पार्ट ऑफ स्पीच हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचता है बच्चों आपकी तरफ से आपके वर्ड्स वो क्या रहेंगे। जब भी मैं यहाँ पे कोई सेंटेंस लिखूं, आप यहाँ पे जो जो पार्ट ऑफ स्पीच आप पढ़ चुके, सारे पढ़ चुके हैं, सबका आइडेंटिफिकेशन आपको पता है, तो सबको आइडेंटिफाई करना है। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ सेट हो रही है, सही प्रॉपर सेट हुई है कि नहीं हुई। एडजेक्टिव को एडजेक्टिव की जगह यूज़ किया गया है ना, उसकी जगह एडवर्ब तो यूज़ नहीं कर लिया गया, एडवर्ब की जगह आपने वर्ब तो यूज़ नहीं कर लिया। इस तरह की चीज़ें आपको हर एक सेंटेंस में कुछ टाइम तक करनी है, धीरे धीरे आपकी इसमें एफिशिएंसी आती जाएगी। तो यहाँ पे ये टास्क आपकी तरफ से पेंडिंग रहेगा, जैसे ही मैं आपको कोई क्वेश्चन दूँ आपको पूरे सेंटेंस का डाइसेक्शन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। बच्चों, हमारे जो पार्ट ऑफ स्पीच रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करने के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है और एक ब्लैंक यहाँ पे इसमें छोड़ा है, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है ये। मैं यहाँ पे आपको 3 ही ऑप्शन दे रही हूँ, आप सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइज कीजिए और उसके बाद में वो पार्ट ऑफ स्पीच देखिए कि आपके किस ऑप्शन में गिवन है। तो चलिए बच्चों करिए इस क्वेश्चन को। तो बच्चों आपने किया होगा, अब यहाँ पे देखिए जो आपका ही है वो क्या है, आपका ही आपका सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे पूरी ग्रामर में मैंने कौन सी दो चीज़ आपको बताई थी, मैंने बताया था आपको नाउन और प्रोनाउन बताया था। अच्छा, ही क्या है, ही आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, तो ये हो गया प्रोनाउन। ये चीज़ जो डाइसेक्शन वाली चीज़ है, यू नीड टू डू इट इन एवरी सेंटेंस, हर एक सेंटेंस में आपको ऐसा करना है, तभी आपके पार्ट ऑफ स्पीच के कॉन्सेप्ट शार्प होंगे। बच्चों मैंने बोला हमेशा कि BMR नहीं चाहिए हमें, बेसिक में राड़ा नहीं चाहिए, यू नीड टू प्रैक्टिस योर बेसिक इन ईच एंड एवरी सेंटेंस,
इररिस्पेक्टिव कि क्या टॉपिक चल रहा है आपका, आपको वहाँ पे जो पार्ट ऑफ स्पीच मैंने पढ़ाया है आइडेंटिफाई करो, उनका प्लेस देखो हर सेंटेंस में। अब नेक्स्ट देखो, इज क्या है, इज बी की फॉर्म है। अब जैसे ही बी की फॉर्म का जिक्र आया, आपने बी की फॉर्म की एट की एट फॉर्म्स आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए। तो फटाफट से अपनी नोटबुक में लिखिए और मुझे बताइए कि बी की कौन सी एट फॉर्म आपने पढ़ी है, और साथ में ये भी बताइएगा कि बी की फॉर्म के बाद में हम पूरी ग्रामर में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स लेते हैं। तो प्लीज़ राइट इट डाउन। तो बच्चों यू मस्ट हैव रिटन इट। तो यहाँ पे देखिएगा कि बी की फॉर्म टोटल कितनी, एट फॉर्म्स, कौन कौन सी मैच कीजिएगा। सीक्वेंस सही, सीक्वेंस ये नहीं भी हो सकता है, सीक्वेंस कोई भी हो, पर देखना ये एट की एट आपकी नोटबुक में हो। तो कौन कौन सी फॉर्म है, इज एम आर वॉज वर बींग बीन और बी खुद। और बी के बाद में आपकी पूरी ग्रामर में चार ही चीज़ें आती है। क्या बताया मैंने, आपका एडजेक्टिव बताया है, नाउन ऑफ आइडेंटिटी बताया है। नाउन ऑफ आइडेंटिटी को मैं एन ओ आई से लिख रही हूँ, एडजेक्टिव को ए डी जे से लिखा जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद में मैंने आपको बताया है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आपकी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो आपका पैसिव स्ट्रक्चर बनाती है, इस पर भी हम वर्ब में बात करने वाले हैं। और लास्ट में मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे है वर्ब आई एन जी, जो आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, मॉडल कॉन्टीन्यूअस में, टेंस में पढ़ेंगे ही आगे। तो यहाँ पे देखना, ये बी की फॉर्म होगी। अब बी की फॉर्म के बाद में इनमें से कुछ भी चल जाएगा। यहाँ पे जो मुझे चाहिए, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ऑप्शन के वे से, मैं यहाँ पे देखूंगी कि क्या क्या आ सकता है। तो ही इज के बाद में जब यहाँ पे इज मेन वर्ब हो, जब इज मेन वर्ब हो, ध्यान से सुनिएगा, इज मेन वर्ब हो, उस समय आप इज के बाद क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव और नाउन ऑफ आइडेंटिटी दो ही चीज़ लगाएंगे। मैंने क्या बोला, जब आपकी इज मेन वर्ब हो, मेन वर्ब है मतलब क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है इज एम आर। हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, लेकिन वही प्रेजेंट सिंपल की बात करूं तो यही इज एम आर आपकी क्या बन जाती है, मेन वर्ब बन जाती है। उन सब चीज़ों को डिटेल में करेंगे, कैसे बनती हैं, क्यों बनती हैं, इसका मतलब क्या होता है। प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करें तो इसका क्या मतलब है, और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में इज एम आर को यूज़ करें तो उसका क्या मतलब है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, प्रेजेंट सिंपल है, इज के बाद में आप क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे। अच्छा, एडजेक्टिव बोला मैंने, नाउन ऑफ आइडेंटिटी क्यों नहीं बोला, तो मैंने नाउन ऑफ आइडेंटिटी इसलिए नहीं बोला कि नाउन ऑफ आइडेंटिटी आता तो उससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल आता। आपको ब्लैंक से पहले कोई आर्टिकल दिख रहा है क्या? अब आर्टिकल क्या होते हैं, ए, एन और द, ये आपके आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल एडजेक्टिव ही होते हैं, नाउन के लिए आपके यूज़ होते हैं। यहाँ पे मुझे आर्टिकल नहीं दिख रहा है, आर्टिकल नहीं दिख रहा है बच्चों, तो यहाँ पे आपका नाउन ऑफ आइडेंटिटी नहीं आएगा, पहचान वाला पहचान वाला नाउन आपका नहीं आ सकता। तो यहाँ पे मुझे ब्लैंक में क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। चलिए अब ऑप्शन पे चलते हैं और देखते हैं हर एक ऑप्शन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट ऑप्शन को देखा, फर्स्ट ऑप्शन इज ऑनेस्ट, तो बच्चों ऑनेस्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, मैंने पार्ट ऑफ स्पीच आपको आइडेंटिफाई करने बता दिए हैं। आप नाउन से शुरू कर दिएगा पहचानना, तो जैसे नाउन से शुरू करते हैं, जुगाड़ वाला मेथड, हम ग्रामेटिकल वे पे इसलिए नहीं जा रहे हैं, ग्रामेटिकल वे से इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आई नीड टू यूज़ दिस ऑनेस्ट वर्ड इन ए सेंटेंस एंड देन नीड टू फाइंड इट आउट एंड दैट मेथड विल बी कॉम्प्लेक्स, टाइम टेकिंग, कॉम्प्लेक्स होगा, टाइम टेकिंग होगा, इसलिए हम इसके इम्प्रोवाइज जुगाड़ मेथड पे ही जा रहे हैं। एंड जुगाड़ मेथड इज माई पेन माई बुक से मैच कराओ, किसी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ गिवन वर्ड को लगा के देखो, अगर आपको बोलने में सही लगता है तो गिवन वर्ड आपका क्या हो जाएगा, गिवन वर्ड आपका क्या होगा, नाउन होगा। तो माई पेन माई बुक माई ऑनेस्ट मैच नहीं कर रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन तो नहीं है, नाउन नहीं है। प्रोनाउन तो आपको पता ही है कौन से, कुछ फिक्स प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन भी ऑनेस्ट नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को पहचानने का जुगाड़ का मेथड क्या है, यू आर गुड, यू आर बैड से इसको मैच करवाना है। तो जैसे ही मैच कराओगे आपको मिलेगा यू आर गुड, यू आर बैड, यू आर ऑनेस्ट, बोलने में बिल्कुल सही लग रहा है, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो मेरा आंसर तो मुझे फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया, लेकिन रिमेनिंग ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो जो बी ऑप्शन है ऑनेस्टी, इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखिए, तो सबसे पहले वही नाउन से पहचानना, आइडेंटिफिकेशन नाउन से शुरू करेंगे, तो ऑनेस्टी देखिएगा, माई पेन माई बुक माई ऑनेस्टी, बिल्कुल मैच कर रहा है, माई ऑनेस्टी बोला जाता है, माई ऑनेस्टी, योर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी शुड बी रिवॉर्डेड, ये सब सेंटेंस में बना के भी आप इसको देख सकते हो। तो ऑनेस्टी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन हो गया, आपको ब्रैकेट में एडजेक्टिव चाहिए था, नाउन नहीं, इसलिए मेरा बी ऑप्शन आंसर नहीं है। नेक्स्ट सी ऑप्शन को देखिएगा, ऑनेस्टली, इसको मैं दो चीज़ों से बताऊंगी, एक तो एडवर्ब और दूसरा एलवाई वाला कॉन्सेप्ट। अब देखो ऑनेस्टली,
ये ऑनेस्टली क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। जैसे कि बोला जाए कि मनस्वी टीचर्स ऑनेस्टली, वो ऑनेस्टली एक तरीका बता दिया कि मनस्वी किस तरह पढ़ाती है, मनस्वी ऑनेस्टली पढ़ाती है, तो ये हाउ का आंसर देता है। जैसे ही आप टीच वर्ब से जाके पूछोगे हाउ कैसे पढ़ाती है, किससे जाके पूछना है, वर्ब से जाके पूछना है। क्यों वर्ब से जाके पूछ रहे हैं, क्योंकि एडवर्ब वर्ब को डिफाइन करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो जैसे ही वर्ब से जाके पूछा हाउ कैसे, तो आंसर में आया ऑनेस्टली। तो ये तो हो गया सेंटेंस में यूज़ करने की बात। जैसे कि चलो इसको लिख भी लो, अगर आपको बोलने में समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या बोला। मैंने एक सेंटेंस बोला जिसमें मैंने बोला मनस्वी टीचेस टीचेस ऑनेस्टली। तो यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिखा। अब यहाँ पे मैंने ऑनेस्टली को इस सेंटेंस में यूज़ करके देखा। अब मुझे पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है, तो मैंने क्या किया, टी से जाके क्वेश्चन पूछा हाउ का। और आपको पता है हाउ का आंसर वर्ब से जाके पूछने पर आंसर में क्या मिलेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब तो है ही, क्योंकि वर्ब को डिफाइन कर रही है, और वर्ब में भी किस तरह, एडवर्ब में भी क्या बता रही है, तरीका बता रही है। तो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑनेस्टली का पार्ट ऑफ स्पीच हमें हाउ का क्वेश्चन पूछने से, ये हमारा ग्रामेटिकल वे हो गया। एक मैंने आपको चीज़ लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी कि एडजेक्टिव में एल वाई लग के क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। अभी अभी पढ़ाया कि ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। क्या ये ऑनेस्ट प्लस एल वाई आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा दूँ, ऑनेस्ट प्लस एल वाई आपको दिख रहा है, तो ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और ये लग गया एल वाई और बन गया आपका एडवर्ब। तो दोनों तरीके से भी आप आइडेंटिफाई इसको कर सकते हो। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, तो हम बात कर रहे थे अपने क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखना, ऑनेस्टली का पार्ट ऑफ स्पीच क्या बताया मैंने आपको, एडवर्ब। तो यहाँ पे क्या चाहिए, एडजेक्टिव, जो मिल गया मेरे वेरी फर्स्ट ऑप्शन में। तो प्लीज राइट इट डाउन। अब अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि हमारा वर्ब है। बच्चों जैसे आपने पढ़ा ही होगा मुझसे कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 है, उसमें मैंने वर्ब भी आपको एक पार्ट ऑफ स्पीच करवाया है। हम इसके अंदर इसकी जो भी डेफिनेशन होती है उसकी बात कर चुके हैं, हम इसके आइडेंटिफिकेशन की बात कर चुके हैं, और प्लेस की बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे हर पार्ट ऑफ स्पीच को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी तक तो केवल आइडेंटिफिकेशन और प्लेस, केवल बेसिक बेसिक बताया मैंने आपको। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पढ़ना वर्ब इन डिटेल में। बच्चों एक चीज़ और देखिएगा, जब मैंने पार्ट ऑफ स्पीच बताया, मैंने वहाँ पे कहीं पे टेंस नहीं लिखवाया, मैंने नरेशन नहीं लिखवाया, मैंने वॉइस नहीं लिखवाया, मैंने क्वेश्चन टैग नाम का एक टॉपिक नहीं लिखवाया। अब क्यों नहीं लिखवाया बच्चों, ये सब चीज़ें आपके वर्ब के अंदर ही आती हैं। बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच तो वही 8 है, उन्हीं से रेस्ट ऑफ ग्रामर आपकी फॉर्म होती है। तो यहाँ पे जो हम टेंस वाला टॉपिक है वो अपने वर्ब के अंदर ही पढ़ने वाले हैं। पहले बेसिक वर्ब को समझेंगे, उसके डिफरेंट टाइप्स को समझेंगे, जो कि हर सेंटेंस को समझने में हमारी हेल्प करेगा। अभी तक अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते आए हैं, तो मैंने बहुत सारी वीडियो में जब भी वर्ब की बात की है तो कुछ एक नाम बोले हैं, जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, उनकी बेसिक डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी थी। बेसिक डेफिनेशन क्या, कि इनको क्लासिफाई ऑब्जेक्ट के बेसिस पे किया गया है। अब किसके साथ ऑब्जेक्ट लगता है, किसके साथ नहीं, आई होप वो आपको अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे हम टीवी पहचानेंगे, कैसे आईटीवी पहचानेंगे, और इसके अलावा भी वर्ब को किन किन बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है और क्या क्या उसके टाइप्स हैं। तो बच्चों ये कुछ बेसिक चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, हम नाउन पढ़ चुके हैं, वर्ब का आइडेंटिफिकेशन पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब यहाँ पे बात करूँ तो हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे वर्ब की। अब वर्ब में क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, उसका इंडेक्स पेज जरा आप बना लीजिए। हम डेफिनेशन की बात है जो हम कर चुके हैं, ये आपका अब होमवर्क रहेगा कि आप वहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। प्लेस की बात सेंटेंस में कर चुके हैं, तो आप सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस का बेसिक रिक्वायरमेंट लिखेंगे, और मुझे बताएंगे कि वर्ब कहाँ आता है। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन की बात भी हम कर चुके हैं, कैसे बताया था मैंने, ईडी और आईएनजी लग के बताया था, और उसमें भी यूनिवर्सल मेथड मैंने आपको आईएनजी वाला बताया है, ईडी वाला नहीं बताया मैंने। ऐसा क्यों बताया, क्योंकि हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है इरेगुलर वर्ब का,
वो क्या करता है, ईडी वाले कॉन्सेप्ट को हर वर्ब के लिए वैलिड नहीं होने देता, इसलिए हमने आईएनजी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा। उसके बाद में अब यहाँ पे जो हमारा टारगेट टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा टाइप्स। तो आप इन सबको लिखिए। अब आप ये मत करना कि नहीं पढ़ चुके हैं पढ़ चुके हैं पढ़ चुके हैं, आपको ये सब चीज़ें नहीं करना। आपको यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखनी है, प्लेस भी लिखना है और आइडेंटिफिकेशन भी अपनी नोटबुक में लिखना है। तो प्लीज़ राइट इट डाउन। तो बच्चों आपने लिख लिए होंगे यहाँ पे, आई होप आपने इन तीनों के बारे में भी डिटेल से यहाँ पे मेंशन किया होगा, केवल नेम लिख के नहीं छोड़ा होगा। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स की। तो बच्चों मैंने टाइप नहीं बोला, टाइप्स बोला, मतलब बहुत सारे बेसिस पे इसे क्लासिफाई किया गया है। अब बहुत सारे बेसिस, अब देखो आपको पता है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ आपको, डिफरेंट टाइप्स की बॉटल मैंने आपको दे दी। अब मैं बोलूँ कि आप इसको क्लासिफाई करो, लेकिन आप फिर मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम किस बेसिस पे क्लासिफाई करें। बॉटल्स जो मैंने बहुत सारी आपको दी है उसको तो बहुत सारे बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है, उसमें उनके वॉल्यूम के बेसिस पे कि हर बॉटल में कितना वॉल्यूम वाटर आ सकता है उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है, कलर के बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है, साइज के बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है, मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक उसी तरह वर्ब को भी क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो उन सब तरीकों पे बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया कि किस किस आधार पर इसको बांटा गया है, किस किस बेस पर इसको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे देखना, फर्स्ट है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। अच्छा बच्चों ये किस बेसिस पे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है, ये मैंने बेसिस, ये इसके लिए बेस लिया है कि आपका जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब का, जो कि आपका सेकंड और थर्ड फॉर्म है, वो कैसे बनता है, उस बेसिस पे डिवाइड किया है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। फिर दूसरे बेसिस की बात करते हैं जो कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसमें हम जरा टेंस के बारे में पढ़ेंगे, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो मेन वर्ब कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं, ये यहाँ पे देखेंगे हम, फाइनाइट और उसके बेसिस पे बांटा नॉन फाइनाइट। इसके बाद में यहाँ पे एक जिरंड और इन्फिनिटिव का कॉन्सेप्ट आता है। तो जिरंड आपका क्या होता है, किस जगह यूज़ होता है, नाउन की जगह यूज़ होता है, वर्ब आई एन जी होता है। इसी तरह इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, ये भी एक आपका नाउन होता है। तो इन सब के बारे में देखेंगे आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब में। तो ये हम देख रहे हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है पॉजिटिव वर्ब का। तो पॉजिटिव वर्ब क्या होती हैं, पॉजिटिव वर्ब वो होती हैं जो अपने ऑब्जेक्ट से कुछ करवाती हैं। अभी तक मैं क्या पढ़ती आई थी कि जो वर्ब होती हैं, वर्ब क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा करता है, सब्जेक्ट है कोई एक्शन परफॉर्म करता है या सब्जेक्ट के होने का सेंस देता है। लेकिन पॉजिटिव वर्ब में हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो तो काम कर ही रहा है और ये जो वर्ब है ये ऑब्जेक्ट से भी कुछ करवा रही है, तो वो है पॉजिटिव वर्ब। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी वर्ब है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको हम पढ़ेंगे। फिर फ्रेजल वर्ब की बात करी जाए तो फ्रेजल वर्ब क्या होती है बच्चों, फ्रेजल वर्ब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपकी वोकैबुलरी का। और फ्रेजल वर्ब बनती कैसे हैं, इनका डेफिनेशन क्या होता है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि वर्ब में जब भी कोई एडवर्ब या प्रीपोजिशन लग जाता है, मैंने क्या बोला, वर्ब में जब भी कोई एडवर्ब और प्रीपोजिशन बन जाता है या फिर उसके साथ ऐड हो जाता है, तो वो एक नया वर्ड फॉर्म कर देते हैं, एक नया ही वर्ड बन जाता है आपका फ्रेजल वर्ब, और उसका उस वर्ब का बेसिक मीनिंग भी चेंज हो जाता है। तो वर्ब का बेसिक मीनिंग चेंज हो जाता है, जैसे कि आपकी लुक वर्ब है, आपकी लुक वर्ब क्या होती है, लुक मतलब क्या होता है, देखना, लुक मतलब होता है देखना। लेकिन अब इस लुक के साथ में मैं प्रीपोजिशन इनटू ऐड कर दूं, इस लुक और इनटू, अब ये लुक इनटू एक नया वर्ब बन गया है और नया वर्ब बन गया, इसका मीनिंग भी बिल्कुल अलग है, लुक से इसका मीनिंग बिल्कुल अलग है। लुक का मतलब था देखना और लुक इनटू होता है इन्वेस्टिगेट करना, छानबीन करना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैसे लुक वर्ब में प्रीपोजिशन लग के एक इसका मतलब ही पूरा चेंज हो गया। अब ये जो नया वर्ब बना है, ये लुक वर्ब में प्रीपोजिशन लग के ये जो नई वर्ब बनी है, इसी को आप कहते हैं फ्रेजल वर्ब। तो ये फ्रेजल वर्ब वोकैब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार फिल इन द ब्लैंक और एरर में आपके इसके क्वेश्चन आते हैं। तो आप पहले ये फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए कि टाइप्स कौन कौन से हैं, और इसके बाद में हर एक एक टाइप को हम इन डिटेल यहाँ पर स्टडी करेंगे।
तो बच्चों पहले बात करते हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब की। तो यहाँ पे देखिएगा, एक बार हेडिंग डाल लीजिए रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो रेगुलर वर्ब हैं, इसकी बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ आपसे कि जो रेगुलर वर्ब हैं, रेगुलर और इरेगुलर को किसके बेसिस पे बांटा गया है। तो सबसे पहले ये लिखिए कि इसका बेस क्या है, डिवाइड करने का आधार क्या है। तो बेस है इसका वर्ब का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनता है बच्चों? सेकंड फॉर्म को आप पास्ट फॉर्म कहते हैं। सेकंड और थर्ड तो हमारी लोकल भाषा, लोकल लैंग्वेज है। हम इसका ग्रामेटिकल देखें, नेम तो इसका है पास्ट फॉर्म और वर्ब थर्ड का है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो हर वर्ब का पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म किस तरह बन रहा है, उस बेसिस पे वर्ब को रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में डिवाइड किया गया है, इरेगुलर वर्ब में डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं कि रेगुलर वर्ब में पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कैसे बनता है। तो ये बहुत ही हमारी आसान होती है, ये हमें बहुत ही इजी लगता है पढ़ने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब का सेकंड और वर्ब का थर्ड फॉर्म ईडी लग के बनता है, ईडी लग के बनता है। जैसे प्ले हो गया, प्लेड इसका सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म क्या है इसका? प्लेड है। इस तरह बहुत सारी ऐसी वर्ब हैं जिसका फॉर्मेशन रेगुलर वर्ब के अंदर हम करते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म का। अच्छा, इरेगुलर क्या है? तो सिंपल लिख लो कि जिनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको आप वर्ब सेकंड और वर्ब थर्ड कहते हैं, वो ईडी लग के नहीं बनता। अब ईडी लग के नहीं बनता तो किसी भी तरह बन सकता है, अलग अलग तरीके से बनता है। लेकिन ये क्लियर हो गया कि ईडी लग के नहीं बनता, ईडी लग के नहीं बनता। तो ईडी के आगे क्रॉस, शॉर्ट में नोट्स बनाओ, ठीक है? बिल्कुल ग्रंथ पोथियाँ नहीं बना लेनी है, बस आपको समझ में आ जाए कि सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लग के बनता है, किसका? रेगुलर वर्ब का, इरेगुलर का नहीं बनता। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका, फिर हम देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो उससे पहले इसको राइट डाउन कीजिए, देखते हैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे। तो यहाँ पे रेगुलर वर्ब, जो डेफिनेशन मैंने आपको अभी अभी बताई है वही इस बॉक्स में दी हुई है। तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं, क्या है? दोज वर्ब्स दैट फॉर्म देयर पास्ट पार्टिसिपल एंड पास्ट फॉर्म विद डी और ईडी आर रेगुलर वर्ब। दीज वर्ब्स डू नॉट अंडरगो सब्सटेंशियल चेंज वाइल चेंजिंग फॉर्म बिटवीन टेंस। बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल चेंज नहीं आता। सब्सटेंशियल चेंज जैसे कि मैं बात करूँ ईट वर्ब की, तो ईट वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? एट होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका? ईटन होता है। इस तरह बहुत सारी वर्ब, तो जैसे ईट का एट और ईट का बना थर्ड फॉर्म ईटन, तो बहुत बिल्कुल ही वर्ड चेंज हो गए। तो इसको बोलते हैं एक सब्सटेंशियल चेंज हो जाना। लेकिन वहीं पे केवल ईडी लग के आपकी वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको मिल रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको दिखाई देते नहीं हैं, उनको लर्न करना थोड़ा सा आसान रहता है। तो बच्चों आपके लिए मैंने यहाँ पे कुछ वर्ब लिखी हैं जिनका फॉर्मेशन ईडी लग के होता है। सब कुछ राइट डाउन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो जो भी वर्ब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लग रही है आप उसको राइट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ पे एक बार जो जो आपको नहीं आती हैं, जो जो आपको नई लग रही है, बस वो राइट डाउन कर लीजिएगा। ये बस आपके सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। बाकी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का जो लर्न करने का पैटर्न है, मैं आपको बता दूं कि ये मियर एक्सपीरियंस से होता है। जब भी आप कोई भी सेंटेंस देखें, उसमें कोई भी फॉर्म हो वर्ब की, लेकिन आपको वो वर्ब देख के उसकी सारी फॉर्म को अपने दिमाग में लेके आना है कि इसकी और कौन कौन सी फॉर्म हो सकती है। बस उसी तरह एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस से आपकी रेगुलर इरेगुलर वर्ब सारी क्लियर होती जाएंगी। इसको एज सच याद करने का मैं नहीं दे सकती आपको लिस्ट कि चलो ये 100 वर्ब याद कर लो, ये 200 कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिए हैं। जो आपको नए लग रहे हो, जो आपको लग रहा हो कि ठीक है राइट डाउन कर लेनी चाहिए, वो इसमें से 4-5 देख के राइट डाउन कर लीजिए। ओके, आई होप इन सबके मीनिंग तो आपको क्लियर होंगे ही। जैसे कि एक्सेप्ट क्या होता है? किसी चीज़ को स्वीकार करना। वर्ब है तो करना या होना ऐड होगा। देखो मैंने स्टार्टिंग में डिफिनेशन की बात नहीं की, मैंने उस चीज़ को स्किप किया क्योंकि मैं पार्ट ऑफ स्पीच में बता चुकी हूँ। लेकिन फिर भी चलो एक बार फिर से बस आपको रिवाइज करके आपको ओरली बता रही हूँ कि वर्ब है तो करना या होना,
करना मतलब आपका सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, और होना जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, यहाँ पे मैं एक टीचर हूँ, आई एम ए टीचर, जब मैं ये बोल रही हूँ तो आप, मैं यहाँ पे कोई एक्शन कर रही हूँ क्या? कोई फिजिकल एक्टिविटी होती हुई आपको दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। तो फिजिकल एक्टिविटी होती हुई ना दिखाई दे, वो है होने का एक्शन, कि मैं एक डॉक्टर हूँ, वो एक इंजीनियर है, इस तरह की चीज़ें आपके होने का सेंस देती हैं। इसके अलावा मैंने आपको पोजीशन की बात भी बताई थी कि रखने का सेंस, जैसे कि आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव दिस पेन, मेरे पास ये पेन है, तो ये हो गया पोजीशन का सेंस। ये मैंने आपको वर्ब में बताया था, वर्ब में हमेशा करना या होने का सेंस होगा ही होगा। तो एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। इसमें बच्चों अगर आपको किसी भी वर्ड में, यहाँ पे नहीं, आपको कहीं पे भी कोई भी वर्ड में प्रॉब्लम आए, आप डायरेक्ट अपने गूगल पे जाके वो वर्ड टाइप करो, उसका मीनिंग, और ऑक्सफोर्ड या फिर आपकी मरियम वेबस्टर या फिर आपकी मैकमैलन, ये कुछ अच्छी डिक्शनरीज हैं, या फिर आपकी कॉलिंस भी बिल्कुल, तो वो आपको एक अच्छा आउटलुक दे देंगे उस वर्ड के बारे में, उसके डिफरेंट मीनिंग, उसके डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, उसका सेंटेंस में यूज, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आपका डाउट उस वर्ब से रिलेटेड या फिर उस वर्ड से रिलेटेड पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इन सबको बता देती हूँ, बट बाई चांस कभी कोई वर्ड छूट जाए तो आप ऐसा ही किया करो, यूज़ योर स्मार्टफोन स्मार्टली। तो अचीव होता है प्राप्त करना, ऐड होता है कुछ जोड़ना, एडमायर होता है किसी की प्रशंसा करना, और आपका एडमिट होता है स्वीकार करना, या कोई बात जैसे कि एडमिट आपका एडमिशन से बना है कि मैंने उसका दाखिला करवाना। तो यहाँ पे अडॉप्ट क्या होता है, अडॉप्ट होता है किसी को गोद में लेना। मैं इस अडॉप्ट के बाद आप स्टार लगा लीजिएगा, इस वर्ब को हम दोबारा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखना नेक्स्ट है आपका एडवाइज, एडवाइज पे भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए, इसको भी डिस्कस करेंगे। एडवाइज होता है किसी को सलाह देना। एग्री होता है सहमत होना। देखो होना करना ये कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे इसका सेंस में, वर्ब के सेंस में मिलेगा ही मिलेगा। मैं केवल एडवाइज सहमत नहीं बोल सकती, एडवाइज मतलब सहमत होना, एग्री मतलब, अच्छा एग्री सॉरी एडवाइस होता है सलाह देना, एग्री होता है सहमत होना, अलाउ होता है किसी को अनुमति देना, और अनाउंस होता है किसी चीज़ की घोषणा करना, अप्रिशिएट होता है किसी चीज़ की प्रशंसा करना, अप्रूव होता है किसी भी चीज़ को जब आप वैलिड कर देते हैं, आप किसी चीज़ को अनुमति दे देते हैं, वो होता है आपका अप्रूव करना। आर्ग्यू, बस आप इसमें करना करना बोलते जाओ, आपको मीनिंग मिलता जाएगा, करना या होना बोलते जाओ। तो आर्ग्यू क्या होता है, एडमिट होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना, अडॉप्ट होता है गोद लेना। स्टार मार्क कर लो, इस वर्ब को दोबारा बताऊंगी मैं, इस वर्ब के बारे में कुछ और डिस्कस करेंगे। एडवाइज होता है सलाह देना। तो देखो मैंने यहाँ पे करना, होना, देना, यहाँ पे कोई ना कोई एक्शन आपको वर्ब के साथ मिलेगा ही मिलेगा। मैंने बता दिया वर्ब है तो एक्शन जरूरी है, तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना। एडवाइस को मैं सिंपल सलाह नहीं बोल सकती, वो एडवाइस आपका नाउन हो जाता है। इस एडवाइस पे भी स्टार मार्क कर लो, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, वर्ब है तो करना, होना, ऐसा कुछ ना कुछ इस वर्ब के मीनिंग के साथ आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो एडवाइस मतलब सलाह नहीं, सलाह देना। एग्री सहमत नहीं, सहमत होना। अलाउ अनुमति देना। अनाउंस घोषणा करना। अप्रिशिएट प्रशंसा करना। अप्रूव किसी चीज़ की अनुमति देना, किसी चीज़ को वैलिड अप्रूव, वैलिड करना। आर्ग्यू होता है किसी से विवाद करना, या किसी से कहते हैं ना कि कुछ किसी चीज़ पे आर्ग्यूमेंट आपका करना। तो यहाँ पे अराइव होता है कहीं पहुँचना, आस्क होता है कुछ चीज़ पूछना, असिस्ट होता है किसी का किसी चीज़ में मदद करना, और अटैक होता है हमला करना। तो आपने देखा ये किस तरह करना, होना, देना, ये कुछ ना कुछ आपकी वर्ब की मीनिंग में ऐड मिलेंगे ही मिलेंगे, और मिलना भी चाहिए, तभी तो वो वर्ब कहलाती है। तो चलो यहाँ पे मैंने आपको दो वर्ब स्टार मार्क करवाई, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहले मैं लेती हूँ अडॉप्ट को। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको बहुत बार जिक्र किया है होमोफोन्स का। होमोफोन्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जिनका प्रोनंसिएशन सेम होता है लेकिन आपका उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। तो जैसे अडॉप्ट हो गया, जैसे एडिप्ट हो गया, और जैसे अडेप्ट हो गया। यहाँ पे सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं और फिर इन सब का मीनिंग देखते हैं। तो अडॉप्ट है, ये तो मैंने अभी अभी पढ़ा, ये क्या है, मेरी वर्ब है। अब एडिप्ट है, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। और जो आपका अडेप्ट है, अडेप्ट क्या है, आपका एडजेक्टिव है। इसको पहले राइट डाउन कीजिए। इसकी बात कर रहे थे, अडॉप्ट वर्ब पे मैंने आपको स्टार मार्क करवाया,
तो उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। मैंने आपको होमोफोन्स पढ़ाए, क्या होते हैं होमोफोन्स, जिनका साउंड सिमिलर होता है लेकिन मीनिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो उसी में आपका अडॉप्ट की लिस्ट आती है कि तीन वर्ड आपके रिपीटेडली एग्जाम में पूछे गए हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले जाते हैं, या फिर एरर में बना के इनको एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड गलती से यूज़ करके ग्रामेटिकल एरर वहाँ पर बना दिया जाता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच इसका फटाफट से पहले लिखिए, अडॉप्ट तो अभी पढ़ा, वर्ब में पढ़ा, एडिप्ट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और अडेप्ट क्या होता है, आपकी वर्ब होता है। तो इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर इनके मीनिंग की बात करते हैं। देखिए बच्चों, जो अडॉप्ट होता है ये तो मैंने आपको बताया क्या होता है, गोद लेना। जैसे कि कोई ऑर्फन में आप गए, किसी ऑर्फन बच्चे को आपने, ऑर्फनेज में गए, किसी ऑर्फन बच्चे को आपने देखा, तो वहाँ पे आपने उस बच्चे को गोद ले लिया। ऐसे ही आप किसी एनिमल शेल्टर में गए, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल हैं, आप किसी भी एनिमल को अडॉप्ट करके ले आए, तो वो होता है गोद लेना। और एडिप्ट क्या होता है, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है निपुण। निपुण होता है जो स्किलफुल हो, जो कोई भी एक स्किल में बहुत अच्छा हो, तो स्किलफुल पर्सन को ही क्या कहते हैं, एडिप्ट कहते हैं। अडेप्ट होता है आपका वर्ब, इसका मीनिंग होता है अनुकूल होना। अनुकूल होना, किसी भी वातावरण के अनुकूल होना, कैसी भी परिस्थिति हो उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना, क्या होता है, अडेप्ट आपका वर्ब इसके लिए गिवन है। अच्छा, ये जो अडेप्ट वर्ब है, इसी से ही आपका एक नाउन बनता है, जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आपने अपनी बायोलॉजी सब्जेक्ट में भी इसको पढ़ा होगा, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन, तो यहाँ पे इसी अडेप्ट वर्ब से आपका नाउन बना है, अडेप्टेशन नाउन यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो बच्चों, ये जो वर्ब है, इनसे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस देगा, और जहाँ पे अडॉप्ट का रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे एडिप्ट यूज़ कर लेगा, जहाँ पे एडिप्ट का रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे अडेप्ट यूज़ कर लेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इन तीनों को नोट डाउन कर लीजिए विद मीनिंग। तो देखिए, एक एग्जाम्पल भी जरा देख लेते हैं, हमें चीज़ यहीं पे क्लियर हो जाएगी। तो एक एग्जाम्पल लिखिएगा बच्चों कि मनस्वी अडैप्टेड ए कैट एंड नेम्ड हर ओलिविया। तो मनस्वी ने क्या किया, एक कैट को अडॉप्ट किया, एक कैट को गोद लिया, और उसका नाम क्या रखा, ओलिविया नाम रखा। अब ये एरर का क्वेश्चन बनाऊं, तो आपको एरर आपके एग्जाम में किस तरह दी होती है, बच्चों एक सेंटेंस दिया होता है और उसको चार पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, ए बी सी एंड डी। तो मैं इसी तरह स्प्लिट कर रही हूँ उसको ए बी और सी पार्ट में, और यहाँ पे जो डी पार्ट होता है आपका वो होता है नो एरर। भाई ये भी तो हो सकता है ना कि क्वेश्चन में कोई एरर हो ही ना, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, आप ज़बरदस्ती उसको रॉन्ग नहीं बना सकते। तो यहाँ पे फटाफट से जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है उस बेसिस पे एरर फाइंड आउट कीजिए, और इस क्वेश्चन को करेक्ट करके वापस से रीराइट कीजिए। तो बच्चों, किया होगा आपने, तो यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको होमोफोन पढ़ाया, तो मैंने अडेप्ट, एडिप्ट, अडॉप्ट आपको पढ़ाया। अब गोद लेने का सेंस है, कैसे पता चला, सेंटेंस को पढ़ के पता चला, भाई हिंदी करके देखा कि मनस्वी निपुण हो गई है, नहीं निपुण, मनस्वी अडेप्टेड एक कैट, एक निपुण हो गई कैट, ये तो कोई सेंस ही नहीं, सॉरी निपुण नहीं, अनुपुण। देखना बच्चों, इस सेंटेंस को जैसे ही आपने देखा, इसके सारे पार्ट को स्टडी किया, तो अभी अभी जो मैंने आपको होमोफोन पढ़ाए, अडॉप्ट, एडिप्ट, और आपको मैंने अडेप्ट पढ़ाया, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन मैंने आपको बनाया। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, तो उसका सेंस निकालिए, उसका मीनिंग निकालिए, क्या उसके मीनिंग में ये अडेप्ट वर्ड है, ये सही बैठ रहा है, तो नहीं बैठ रहा। सेंटेंस क्या है, मनस्वी अडेप्टेड ए कैट एंड नेम्ड हर ओलिविया। बोलना क्या चाह रहे हो कि मनस्वी ने कैट को गोद लिया और उसका नाम क्या रखा, ओलिविया रखा। तो यहाँ पे गोद लेने का सेंस है, अडेप्ट क्या होता है, अनुकूल होने का सेंस होता है। यहाँ पे अनुकूल होने का सेंस तो निकल ही नहीं रहा है, गोद में लेने का सेंस निकल रहा है कि उसने उसको गोद लिया। तो यहाँ पे आपकी जो वर्ब है वो रॉन्ग यूज़ हुई है, क्या यूज़ होना चाहिए, यहाँ पे अडॉप्टेड,
इस चीज़ को समझें। अब यहाँ पे सारे पार्ट ऑफ स्पीच भी आप यहाँ पे चेक कीजिएगा कि यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह नाउन यूज़ हुआ है कि प्रोनाउन यूज़ हुआ है, यहाँ पे कोई कंजंक्शन भी यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ, यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ, वो सारा आप सेंटेंस में खुद से करेंगे। तो चलिए चलते हैं। मैंने आपको एक और वर्ब स्टार मार्क करवाई थी जो कि आपकी थी एडवाइज, तो चलिए उसको देखते हैं कि उसके बारे में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम में आता है। तो बच्चों दो वर्ड मेरे पास हैं, एक है ए डी वी आई एस ई और दूसरा है ए डी वी आई सी ई। ये दो वर्ड मेरे पास हैं, इन दोनों में डिफरेंस तो आपको दिख ही रहा होगा एस और सी का। तो यहाँ पे केवल एस और सी का ही डिफरेंस नहीं, बहुत सारा डिफरेंस है। यहाँ पे इनका पार्ट ऑफ स्पीच भी बहुत डिफरेंट है, और पार्ट ऑफ स्पीच अलग हो गया तो मीनिंग तो अपने आप ही अलग हो गया। तो एडवाइज, एडवाइज में आप लगाइए ई डी, एडवाइज्ड, तो यहाँ पे ये क्या है, वर्ब है, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बच्चों, यहाँ पे वर्ब। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट वर्ड मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि आपका है ए डी वी आई सी ई, तो इसको माई पेन माई बुक के साथ मैच करवा के बोलिए, माई पेन माई बुक माई एडवाइस, मेरी पेन मेरी बुक मेरी सलाह, तुम्हारी सलाह बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। अब आप इनके स्पेलिंग में देख रहे हैं कितना माइन्यूट डिफरेंस है एस और सी का। तो अक्सर इनको आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जहाँ पे नाउन चाहिए वहाँ पे इस वर्ब इस एस वाली का यूज़ कर लेते हैं, और जहाँ पे आपको वर्ब चाहिए वहाँ पे ये नाउन ये सी वाली का यूज़ करके एरर आपका बना दिया जाता है। तो यहाँ पे मीनिंग की बात करें तो वह वर्ब है, वर्ब में तो करना या होना बोलेंगे ही बोलेंगे, तो एडवाइज होता है सलाह देना। और जो आपका एडवाइस है सी वाला नाउन है, इसका मतलब होता है सिर्फ सलाह देना, तो बोल ही नहीं सकते, वो तो वर्ब बन जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी, तो प्लीज राइट इट डाउन। तो बच्चों अब एक सेंटेंस भी देख लेते हैं इसके साथ यहीं पे, तो देखिएगा, ही एडवाइज्ड मी टू टेक क्लासेस ऑफ मोशंस अकेडमी। For NDA exams, for NDA exam, तो वही है, चार पार्ट में इसको स्प्लिट कर लेते हैं जैसे कि आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बन गया आपका ए पार्ट, यहाँ तक बन गया आपका बी पार्ट, और ये बन गया सी पार्ट, और लास्ट में आपका है नो एरर डी पार्ट। तो फटाफट से इसमें एरर फाइंड आउट कीजिए और इसे करेक्ट करके लिखिए। तो बच्चों किया होगा आपने इसको, तो चले देखते हैं क्या एरर है। बहुत ही आसानी से आपने यहाँ पे एरर फाइंड आउट कर ली होगी, अभी अभी पढ़ाया है। क्या पढ़ाया कि देखिए जो यहाँ पे एडवाइस यूज़ हुआ है ये सही पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा बताइए यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट वर्ब की है, और आपने जो एडवाइस लिखा है वो सी वाला लिख दिया है, और सी वाला तो नाउन होता है आपका, वर्ब नहीं होता। तो इसको करेक्ट करके लिखेंगे, ये एडवाइस यहाँ पे गलत है, सही हो जाएगा ए डी वी आई एस ई डी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, तो फटाफट से इसको यहाँ पे कट करके और आप वहाँ पे एडवाइस लिख लो। इसके साथ ही आप क्या करोगे, इस पूरे सेंटेंस में हर पार्ट ऑफ स्पीच को आप आइडेंटिफाई करोगे, अपने से इस चीज़ को करोगे, पार्ट ऑफ स्पीच के बेसिक के साथ इसको स्ट्रॉन्ग करते रहोगे बच्चों। तो फटाफट से इसे राइट डाउन कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपनी अब पीपीटी की तरफ। तो आपने ये सारी वर्ब देखी, इनका ईडी लग के सिंपल पास्ट या फिर पास्ट फॉर्म बोलो एक ही बात है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसका या फिर वर्ब थर्ड बोलो एक ही बात है। तो ये सारे फॉर्म्स आपने देख ली होंगी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये है आपका, अब ये 50 मोस्ट कॉमन इरेगुलर वर्ब मैंने आपको दी है। अच्छा इरेगुलर वर्ब की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, मैंने क्या बोला कि ईडी लग के इनका क्या बनता है, वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनता,
फिर किस तरह बनता है, किसी भी तरह बन सकता है, बस ईडी लग के नहीं बनता, ये आपको बेसिक ध्यान रखना है। तो ये सारी जो आपके रिपीटेडली या फिर पूछो कि मतलब बहुत ही कॉमन सी सारी वर्ब हैं, अब इसमें जो आपको नहीं पता है, जो आपके लिए न्यू है, या फिर जिसको आप जो आपको ऐसा लगता हो कि बार बार आप इसको भूलते हैं, बस वो वर्ब आप इनमें से देख के राइट डाउन कर लीजिए। अच्छा बच्चों, इसमें यहाँ पे ये भी देखना, आप चेक करना कि जो सारी वर्ब दी हैं क्या वो इरेगुलर वर्ब है भी कि नहीं है, ये भी आपको चेक करना है, तो राइट इट डाउन। तो आई होप बच्चों आपने वो वर्ब यहाँ पे ढूंढ ली होगी जो कि यहाँ पे रॉन्ग दी हुई है। इरेगुलर वर्ब सारी दी हुई है लेकिन एक वर्ब यहाँ पे रेगुलर वर्ब है और वो है आपकी ले, जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो ले का देखना क्या सेकेंड और थर्ड फॉर्म लेड बनाया हुआ है। बच्चों ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्या चीज़ की, देखना यहाँ पे जो ले वर्ब है आपकी, यहाँ पे देखिए ये जो ले वर्ब गिवन है, अब इसमें आप ईडी जब लगाएंगे तो इस चीज़ को देखिए, ये वाई है और इससे पहले क्या है, वोवल है। आपको पता है आपके 26 अल्फ़ाबेट में कितने वोवल होते हैं आपके, 5, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये आपके वोवल होते हैं। तो जब भी वाई से पहले वोवल आए तो वो किस में बदल जाता है, आई में बदल जाता है, एल ए आई डी। ये इस तरह इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। और इस वर्ब पे एक बार स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। अभी बताऊंगी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ब हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अभी तो केवल इसका रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का कॉन्सेप्ट समझिए, फिर मैं इस ले वर्ब के बारे में थोड़ा और डिस्कशन आपसे करूँगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, एग्जाम में रिपीटेडली पूछी जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई कि उस पूरी लिस्ट में से एक ये वर्ब है जो कि रेगुलर वर्ब की कैटेगरी की है, इरेगुलर में यहाँ पे आपको गलत करके दी है। ये बस आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए था कि बस आप लिखते ही रहते हैं कि अच्छे से उसको समझते भी हैं, तो ये यहाँ पे फटाफट से राइट डाउन कर लीजिए। ये कॉन्सेप्ट बच्चों बहुत कुछ काम का नहीं है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे जब भी वाई आपको दिखे और इससे पहले वोवल हो तो वो वाई जो है वो किस में बदल जाता है, वो आई में बदल जाता है, और वाई और ई मिलके किस में बदल गए, आपके आई में बदल गए यहाँ पे। तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हमारी स्लाइड की तरफ वापस। तो यहाँ पे आई होप आपने सारे जो यहाँ पे वर्ब है वो लिख ली होंगी। अब इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ब है तो मैं आपको बता देती हूँ। बी वर्ब पे स्टार मार्क कीजिए फटाफट से। उसके बाद में यहाँ पे आपकी, यहाँ पे तो कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ब आपकी है नहीं, नॉर्मल वर्ब है सारी। उसके बाद में यहाँ पे मैंने आपको ले पे ऑलरेडी आपको स्टार मार्क करवा दिया है, इस पे स्टार मार्क कीजिए। स्टार मार्क करने का मतलब है कि अगर आपने नहीं लिखी है तो इसको लिख भी लो, ठीक है, लिख लो और स्टार मार्क कर लो। उसके बाद में आपका जो ये एल ओ एस ई है, ठीक है, जो आपका लॉस वर्ब है, इस पे स्टार मार्क कीजिए। इनके बारे में हम एक्स्ट्रा बातें करेंगे। सीक वर्ब पे स्टार मार्क कर लीजिए, ये रिपीटेडली पूछी जाती है इसलिए बस स्टार मार्क करवा रही हूँ, और बच्चों को इसका मतलब भी नहीं पता होता। सीक होता है किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ को पूछना, और इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म शॉर्ट और शॉर्ट बनता है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आप सिंक वर्ब को स्टार मार्क कर लीजिए। उसके बाद में ओके ठीक है, फिर तो यहाँ पे सारी सिंपल वर्ब है। तो ये जो मैंने स्टार मार्क करवाई है बच्चों, इन सब वर्ब का डिस्कशन करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अनटिल द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, स्टडी हार्ड।